हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे ओविडीन आयोडीन विथ मेट्रोनिडाजोल ऑइंटमेंट के बारे में जानेंगे। वो 15 ग्राम का आता है, तो इसका यूज किस चीज़ की चीज़ में इसका यूज किया जाता है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये क्या है, ओविडीन आयोडीन विथ मेट्रोनिडाजोल ऑइंटमेंट होता है। ये ऐसा एक ऑइंटमेंट होता है ओविडीन आयोडीन, तो इसका यूज मेनली क्या कहता है, जो घाव हो जाते हैं पुराने घाव, वुंड मैनेजमेंट में किया जाता है। जो घाव चोट लग जाती है उसमें पस निकलने लगता है, तो वहाँ पे इसका वुंड मैनेजमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। स्किन डिसऑर्डर हो जाता है, मतलब स्किन में कोई भी डिसऑर्डर हो सकता है, जैसे डायबिटिक अल्सर हो जाता है। जो डायबिटिक अल्सर जो घाव हो जाते हैं उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। मेनली डायबिटिक अल्सर हो जाते हैं उसमें इसका मेनली यूज़ किया जाता है। इसके बाद लोप्रामाइड्स अल्सर हो जाते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। पायोडर्मा में यूज़ किया जाता है। सेलुलाइटिस हो जाता है, बेड सोर हो जाते हैं, वीनस अल्सर्स हो जाते हैं। मेनली इसमें घाव में जो चोट लग जाती है इसमें यूज़ किया जाता है। जो कि क्या है कि एक ओविडीन आयोडीन होता है जो एंटीसेप्टिक होता है, मेट्रोनिडाजोल एक एंटीबायोटिक होता है। तो ये है कि दोनों काम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिवेंट करने के लिए, और जो घाव को सही भी हो जाते हैं। तो घाव में इसका मेनली यूज़ किया जाता है। जो घाव वुंड हो जाते हैं, वुंड मैनेजमेंट में चोट लग जाती है उसमें इसका यूज किया जाता है, ओविडीन आयोडीन विथ मेट्रोनिडाजोल। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।